लहरिया सराय गुदरी, जिसे स्थानांतरित यहां के खुदरा विक्रेताओं को भेजा गया है नेहरू स्टेडियम में। हालांकि उन लोगों का भी कहना है कि यहां पर भी सब्जियां बिक रही, इसे ग्राहक वहां नहीं आ रहे। हम बता दें गुदरी ये लोहिया चौक से अंदर आने के बाद यहां पर इसी रास्ते से हम देखें, यहां पर पुलिस कर्मी को भी तैनात किया गया। पुलिस यहां पर तैनात है। क्या यहां पर किन किन लोगों को जाने की इजाजत है? यहाँ सिर्फ किराने की दुकान जो है उन लोगों की, या तो वैसे दुकान जिनका अपना सब्जी का मंडी, अपना सब्जी दुकान है और रोड पर नहीं लगाएंगे, बाकी जो दुकान है उनको स्टेडियम में शिफ्ट किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। क्योंकि वैश्विक महादौर जो वर्तमान में चल रहा है, संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु सरकार के निर्देशानुसार ऐसा डीएम साहब का आदेश है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ अब ग्राहक नहीं, यहाँ भी ग्राहक ज्यादा भीड़ भाड़ जा रही है, वहाँ भी हो जा रही है, तो क्या यहाँ के दुकानों को आपने कुछ रिपोर्ट दिया है? कुछ यहाँ के कस्टमर को समझाया गया है कि भीड़ भाड़ न करें, लोगों को भीड़ से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और साथ साथ लॉकडाउन का भी पालन हो। यदि आज बहुत कम ही लोग थे, दो चार गिने चुने लोग थे, उन लोगों को समझा दिया गया कि नेहरू स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है सब्जी का दुकान, आप लोग उस जगह पर जाइए और स्वेच्छा से खरीदिए, भीड़ ना करो, जितना कम से कम संख्या में हो सके आप लोग उपस्थित होइए और सब्जी को अपने जरूरत की सामान, किराना का, दूध का, ये सब खरीदिए। तो हम बताएंगे आज आपको लहरिया से गुदरी की भी हालात दिखाएंगे। अभी आपको हमने दिखाया नेहरू स्टेडियम में क्या लोग कह रहे थे, क्या समस्या है। इस रास्ते से गुजरना है और यहाँ पर पुलिस भी है जो देख रहे हैं कि किस तरह के लोग यहाँ पर हैं, किस तरह के लोग यहाँ आ रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है जो कहना है, ये है कि आपकी सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। आप खुद अपनी नैतिकता, मानवता का पालन करते हुए आप सोशल डिस्टेंस बना के रखें, दूरी बना के रखें, क्योंकि ये महामारी जब फैलेगी तो आपका दरभंगा छोटा पड़ जाएगा। देखिए किस तरह पुलिसकर्मी आपके लिए तैनात है और हम आपको अंदर लिए चलेंगे। देखते रहे मिथिला मस्ट न्यूज को यूट्यूब में भी अपडेट करके। धन्यवाद जी। आपस में प्रकाशन से बताया गया है कि आपस में एक दूसरे को दूरी बना के रखें और हट हट कर अपना सभी सामान खरीदें। और नगर निगम की व्यवस्था बहुत अच्छी है और इससे सहयोग करेगा, यहाँ पर जितना भीड़ है उससे भी बचेगा और शहर में ऐसा दो चार जगह और लगना चाहिए जिससे नागरिकों को सुविधा होगी। जो पहल है बहुत बढ़िया पहल है और ऐसा व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, लोगों जो है एक एक मीटर की दूरी बना के सामान खरीद रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक दो जगह और ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पर क्या आप ग्राहक आ रहे हैं आपको? यहाँ कहाँ ग्राहक है, को आप तो खुद देख रहे हैं कि ग्राहक तो ये अच्छा है जो लोग वहाँ कर रहा कि आप ग्राहक वहाँ जा रहा है तो आप लोग को वहाँ जाना चाहिए, यहीं बेचिएगा आप लोग। मर्जी दुकानदार सबको ना होगा, खाली हमरे से क्या होगा। चले देखा, जिनका गद्दी है, जिनका अंदर है टाट है, उन लोगों को यहीं बेचने के लिए कहा गया। ये लोग देखिए यहाँ पर बेच रहे हैं। इधर कितना आदमी आया आज, कितना आदमी आया था आज? आज कहाँ आदमी, आज भीड़ नहीं आया है, सुबह में भीड़ नहीं था यहाँ? नहीं, ज्यादा भीड़ नहीं। तो आप लोग यहीं बेचना चाहते हैं कि वहाँ जाना चाहते हैं? अब देखिए चलेगा चलाएगा ना तो मिल जाएंगे। तो चलिए ये लोग भी अभी सोच रहे हैं कि अगर ज्यादा ग्राहक आएगा तो यहीं, नहीं तो फिर हम वहीं चले जाएंगे स्टेडियम में। स्टेडियम में कहना है कि ग्राहक नहीं आते हैं और यहाँ के लोग कहते हैं यहाँ भी ग्राहक नहीं है, तो आखिर ग्राहक गए कहाँ? यानी अगर ग्राहक बटे हैं तो एक अच्छी पहल कही जा सकती है। चलिए आपको लहरिया सराय गुदरी का हाल हम दिखला रहे हैं यहाँ पर। खेतियर को, खुदरा विक्रेता को, थोक विक्रेता को और ठेला वालों को, चार जोन में सबको शिफ्ट करने की कृपा करो। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी दुकानदार को या खेतियर किसान को, लेकिन तीन जोन में इसको बांटना बहुत जरूरी है। जैसे जो थोक सब्जी विक्रेता है उनको एक साइड कर दिया जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र से सब्जी खेत से लेके आती है उनको एक जोन में बांट दिया जाए, ठेला वाले जितने हैं उनको एक साइड में एक एक मीटर की दूरी पर लगवा दे और खुदरा विक्रेता को एक जगह पर। इससे क्या होगी कि लोग डिस्टेंस में सामान भी लेंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं होगा, यही आपसे निवेदन है। इसमें शांतिपूर्वक लोग एक दूसरे से सामान लेकर के घर चले जाएंगे। डिस्टेंस क्या हुआ आज, कितना ग्राहक आया आज? ग्राहक आया था नहीं आया उठा के वहाँ बेच लिए, वहाँ से यहाँ तो रौदा है तो क्या करेंगे, जहाँ देंगे घर जाएंगे। तो वहीं से वहाँ पहले बेच रहे थे? हाँ। तो वहाँ ग्राहक नहीं आता था?
पैकार उकार के दे दिया, इतना बचा तो उठा के अभी ले आए हैं। तो वहाँ से बहुत रहता है, हाँ जागे खुटा खुटी गार लिया कल से रहे हैं। तो चले कुछ लोग हैं जो वहाँ से यहाँ आते, आप क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? सब्जियाँ बेच रहे हैं भी। अच्छा, क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत यही है कि कस्टमर आर नहीं आते हैं यहाँ, धूप के वजह से नहीं आते हैं। वो लोग फिल्म दुकान गए कल तब बेचे हैं, धूप हम लोग को 7 बजे के बाद से जो है ना 5 बजे शाम तक धूप जान मार देता हम लोग को। तो ये पहल अच्छा है कि खराब है, सो बताइए। वही अच्छा है मैंने वहाँ पर जी। चले इन लोगों का भी कहना है कि वही अच्छा है, यानी कि नेहरू स्टेडियम में, ताकि दूरी बना के। ये बीमारी ऐसी है कि कब किसको मौत के आगोश में ले ले कहना कठिन है। ये देखे यहाँ पर पहले भीड़ रहा करती थी, यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते थे। ओ नेताजी, ये गुदरी का मुख्य चौराहा है, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आया करते थे, काफी भीड़ रहा करते थे, लेकिन आज आपको सन्नाटा नजर आएगा। ये देख लीजिए, अब बहुत सी दुकानें भी बंद हैं, एक दो दुकान खुली भी हैं किराना के भी। यहाँ सब्जी बाजार लगी रहती थी पूरा इस तरफ इस चौक पर, लेकिन आज सन्नाटा है। नेताजी क्या लगता है? पहले से बहुत सुधार है और लोग प्रशासन की बात मान करके अपने अपने स्थान को चले गए हैं, उस दिन से भीड़ यहाँ नहीं लगती है और उम्मीद है कि ऐसा ही रहेगा। लोग का वहाँ आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ जो लोग टाट पर ला करके बेच रहे हैं वो हम लोग के साथ दिक्कत कर रहे हैं, सब आदमी बेचे तो वहीं बेचे, नहीं तो वहाँ नहीं आ रहा कस्टमर, यहाँ आ रहा। तो क्या लगता है ऐसे परिस्थिति में प्रशासन का मदद लेके जो उचित हो वहाँ बेचने वाले को वहाँ शिफ्ट किया जाए, होलसेलर को यहाँ रहने दिया जाए, ताकि एक जगह रहने से ज़्यादा भीड़ होगी। दो पार्ट में किया जाता तो थोड़ा सुविधाजनक होगा, होलसेल वाले यहाँ लेंगे, रिटेल सेल वाले वहाँ रहेंगे, यही हम चाह रहे हैं। एक चीज़ और हम नेताजी आपने, कितने ऐसे दुकानदार हैं जिनका टाट है? क्योंकि ये पहले से वहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ बिना टाट के भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई लोगों का पैसा नहीं लेता, लेकिन बिना टाट के लोग, बिना टाट का ही लोग चला रहे हैं यहाँ पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, नगर निगम के ऊपर में टाट है, जो नगर निगम उन लोग को दिए हुए हैं उसी पर बैठ करके वो लोग बेच रहे हैं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होलसेल वाले हैं, रिटेल सेल वाले एक भी दुकान नहीं है, टोटल चले गए वहाँ, तो रिटेल सेल वाले से भीड़ ज़्यादा लगती है। होलसेल वाले में तो एक मन दो मन 40 किलो 60 किलो लिए और खुदरा अपना ठेला पर ले गए, कोई टोकरी में ले गए अपना बेचते हैं, ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सही से देखा जाए, अगर खुदरा बिक्रेता है तो उनको ले जाया जाए। ये पहल अच्छी है इतना मतलब? हाँ, ये पहल अच्छी है। हम बता दें कि लोगों का देखिए यहाँ पर दूर मेंटेन करके रहिए आप लोग सब आदमी, एक मीटर दूर डिस्टेंस। क्या लग रहा है यहाँ पर, पहले कितनी भीड़ रहती थी? पहले यहाँ पे बहुत गैदरिंग था, बहुत भीड़ था, अभी माहौल बहुत शांति है जी। क्या लग रहा है यहाँ पर जी? जो कह रहे हैं वो ठीक है, आप भी कुछ बोलिए वो करें, ठीक है। आपका क्या? अच्छा, हम जो कह रहे हैं कि देखिए अभी जो सोशल डिस्टेंस बना हुआ है जो कोरोना वायरस के कारण, ये बहुत ही बढ़िया है। हम चलिए, सबों का ये कहना है कि ये बहुत ही अच्छा है, कोरोना वायरस से फैले। देखिए यहाँ कितना भीड़ रहा करती थी, दुकानें खुली हुई किराना की दुकान, और इसको भी कई दुकानों पर डिस्टेंस में रखा गया। ये देखिए एक चौकी लगा दिया गया कि अगर कोई अगर आता भी है तो इसके इधर ही रहे। और जो देखिए दुकानें लगातार जो दुकानें खुली हुई हैं, कई दुकानें ऐसी हैं जो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। ये लहरिया साहब गुदरी का हाल, आप घर बैठे रहिए, मिथिला मंच न्यूज यूट्यूब पर आपको हर अपडेट खबर दिखाएगी। जब हम जान हथेली पर लेकर दरभंगा के हर अपडेट खबर डीएमसीए से लेकर बाजार तक दिखाते, तो आप घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं ये जान लीजिए। ये बीमारी इस कदर फैल रही है और अगर ये फैलेगी तो दरभंगा में लोगों को जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ और ज्यादा गैदरिंग है। यहाँ और आपको हम दिखाएंगे, देखिए दुकान है सर, किसी तरह का परेशानी नहीं है सर, गुदरी से अच्छा है, लोग अपना अपना व्यवस्था करके अलग अलग बैठा हुआ है, अलग अलग सब्जी खरीदता है और शांतिपूर्वक से सब्जी लोग खरीद के जल्दी जा रहा है सर। गुड़ी बना बना के लोग लेता है, गुड़ी बना बना के सब्जी वाला सब बैठा हुआ है, देख रहे हैं और क्या कहेंगे सर, जो खोज रहे हैं मिल जा रहा है। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पूरा शरीर सैनिटाइज हो जाता है, भीड़ क्योंकि अंदर ज़्यादा है इसलिए व्यवस्था बहुत अच्छी है। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर। पौज दुकानें भी आपको गुदरी के अंदर जो पुराने परंपरागत तरीके से बिक रहा था वो आज भी एक दो दुकान लगी हुई हैं। और हम आपको बता दें कि फल का भी यहाँ पर गद्दी है, देखिए ये फल का यहाँ पर बस लोग डिस्टेंस बनाए हुए हैं यहाँ से, ये देखिए फल गद्दी भी है पूरा। यहाँ पर कहाँ से मंगवा रहे हैं फल आप लोग? हम लोग डायरेक्ट श्रीनगर से अभी आ रहा है।
और सेब जो है नासिक जाति स्टोर में रखे हुए हम लोग, तो स्टोर से निकाल के हम लोग यहाँ 10 रेट में कितना अंतर आ रहा है? रेट में कोई अंतर नहीं, हम लोग जो रेट जेन्युइन है वही रेट बेच रहे हैं फल। जो यहाँ पे भीड़ लगती है या किसको दे रहे हैं, खुदरा विक्रेता? हाँ, खुदरा विक्रेता को डिस्टेंस बना के हम लोग देते हैं, एक आया एक आया फिर बाद में एक आया, डिस्टेंस मतलब 10 गज 5 गज की दूरी पर हम लोग देते हैं, किसी को भीड़ लगने नहीं यहाँ पर देते हैं। तो चलिए आप लोग भी मेंटेन करके रखिए। ये बताइए कि और गुदरी का क्या हालत है? नहीं, खास कर हम बता दें कि लहरिया सराय गुदरी की हालात हम आपको दिखा रहे थे, स्टेडियम का दिखाए, उठाया चला गया। तो यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है? नहीं मिलती फिर क्या, यहाँ पर 2 किलो 4 किलो करके नहीं मिलती है, बल्कि यहाँ पर से जाली लिया चाहे कोई भी क्रेट लिया उठाया माथा पर चला गया, खुदरा भीड़ नहीं लगती है, इसीलिए यहाँ पर फल वाले को भी रहने दिया जाए। तो हम बता दें कि ये जो सिस्टम है जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस से बचाने के लिए किया है, और लहरिया सराय गुदरी में भीड़ को कम करने के लिए यहाँ से खुदरा विक्रेताओं को स्टेडियम, इसलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं कि अगर आप लोग सब्जी लेने आ रहे हैं तो आप सीधा स्टेडियम में जाइए, खुदरा विक्रेता से वहाँ जा कर के सब्जी खरीदिए, दूरी मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए ताकि इस बीमारी से भी बचिए और आपके घर में सस्ते दरों पर सामान भी उपलब्ध हो जाए, जो जिला प्रशासन कर रही है। तो देखते रहिए, और तो खुदरा जो फल है वो भी वहाँ पर है, वो भी आपको स्टेडियम में ही मिल रहा है, यानी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए आप भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, और देखते रहिए यूट्यूब पर, क्योंकि हम हर खबर आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।